दोस्तों आज हम देखने वाले हैं योद्धा मूवी का टीजर। सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पाटनी इसमें होने वाले हैं भाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अभी। देखो अमेज़न प्राइम एंड धर्मा प्रोडक्शन सीन एसोसिएशन विद मेंटर। आपातकालीन द्वार है और अगर किसी को उसमें से नहीं गिरना तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अपनी जगह पर बैठे रहें क्योंकि आगे तो भाई जैक पायलट ने 7500 स्कॉक किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। ऑन फेयर कमांडो को ऑफ फेयर कमांडो सिद मल्होत्रा। अच्छा वो प्लेन के अंदर ही है। मेकर्स ऑफ शेरशाह। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब एक्शन तो तगड़ा है यार। वो ओ भाई प्लेन पर उल्टा उल्टा करने वाले हैं खतरनाक। नाम थोड़ा पुराने टाइप का लगा लेकिन जो चीजें दिखाई वो बिल्कुल आज के टाइम के हिसाब से दिखाई है। लाइक सीजीआई वगैरह बहुत अच्छा से यूज हो सकता है। ये किसी पुराने इंसिडेंट पर बेस्ड हो या इसमें टाइम पीरियड भी पुराना दिखाया हो। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है टाइम पीरियड पूरा नहीं लग रहा है। पूरा सब चीजें तो नहीं लग रही है उसके अंदर। बाकी भाई जो भी हो ये मूवी मैं पक्का देखने जाने वाला हूँ क्योंकि शेरशाह थिएटर में नहीं देख पाने का गिल्ट आज भी है मुझे। और वीएफएक्स की बात करो तो क्या कमाल के वीएफएक्स थे यार। रेड चिलीज ने वीएफएक्स दिए इसके और बहुत कमाल के वीएफएक्स लगे हैं। लाइक वो जो प्लेन को पलटे वाला सीन था तो वो तो बहुत ही शानदार लगा यार। पूरा थ्री कैसे बनाया आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली वीएफएक्स से बनाया है तो वो बहुत ही शानदार नजर आया। वो एक फील करवाता कि भाई कैसा वो पूरा इंसान पूरी वो घूम रहे हैं गिर रहे हैं जिन्होंने पट्टे नहीं बांधे हुए मतलब बेल्ट नहीं बांधी वो पूरे गिर रहे हैं इस साइड से उस साइड तक। दैट इज अमेजिंग। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस तरह के रोल हमने शेरशाह मूवी शेरशाह में देखा था जो लॉकडाउन के टाइम आई थी और वो मोबाइल में अमेजोन पे देखना पड़ी थी हमें। लेकिन वो देख के ऐसा लगा था कि यार ये मूवी थिएटर में होती तो पक्का 200 करोड़ तो कर ही लेती आराम से यार। और अब सिद मल्होत्रा फाइनली वो चीज लेके आ। बट ये भी थिएटर रिलीज नहीं हो रही है। क्या बात कर, ये भी मेरे ख्याल से अमेज़न प्राइम पे रिलीज हो रही है। नहीं यार ये लिखा ना इन सिनेमास। अच्छा सिनेमास में पहले करेंगे फिर बाद में अमेज़न प्राइम पे आएगी। OTT राइट्स अमेज़न प्राइम के पास। हाँ कलर्स और अमेज़न प्राइम के पास है तो बहुत जल्दी ये अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगी। लेकिन 15 मार्च को मूवी आ रही है। थिएटर में देखेंगे भाई ये तो देखना पड़ेगा। एक्शन मूवी अगर थिएटर में ना देखो ना तो मजे नहीं आएंगे यार। ये बात तो है। और सिड की एक्टिंग तो ठीक है, यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा था वो बड़ी बोल रही चीज है। और बंदा क्या अभी वो जिस तरह से फिट है ना अभी माहौल में, अभी जितने भी एक्टर्स है बहुत फिट बंदा है। मतलब ना ओवर ओवर बॉडी है उसकी, ओवर बॉडी शेप है ना ही बिल्कुल तो पुरानी मूवी के अपने वो क्या नाम था साउथ के एक्टर है ना वो धनुष पुरानी मूवी के धनुष जैसे भी नहीं लगते हैं। और बिल्कुल हाई फाई बॉडी भी नहीं है सलमान खान जैसे, बिल्कुल एवरेज जो रहनी चाहिए वैसी है। तो एक्शन करने में कुछ भी एक्शन करते हैं या मार्शल आर्ट टाइप करते हैं तो लगता है यहाँ बंदा कर सकता है, मस्त है। और हाइट वाइट तो है ही बढ़िया भाई। अभी इसमें दिशा पाटनी का और जो राशि खन्ना उनका रोल क्या है ठीक से पता नहीं चला, समझ नहीं आ रहा। एयर होस्टेस टाइप के लग रहा है मेरे को। एक राशि खन्ना का मेरे को लग रहा है पुलिस में है। नहीं राशि खन्ना नीचे ग्राउंड रिपोर्टिंग में है जो की एयर लाइन वालों की तरफ से शायद या फिर पुलिस या जो भी है। लेकिन बाकी वो एयर होस्टेस अच्छा है कि इसमें लव एंगल टाइप का कुछ नहीं है। हाँ टीजर के अंदर नहीं दिखाया लेकिन हो सकता है मूवी में हो। तो अच्छा है भाई मूवी में तो होगा डेफिनेटली होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मूवी ना हो। देखते क्या बॉलीवुड मूवी है, बिना लव एंगल के बॉलीवुड मूवी चलते क्या है ये भी है। चलो फिर भी देखते हैं जब ट्रेलर आएगा तब ज्यादा से बातें क्लियर होगी और समझ में आएगा लेट्स सी क्या होता है। कैसा लगा आप लोगों को टीजर हमको बताना, कमेंट करके अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। चलते हैं। मेक लव नॉट वॉर।